नमस्कार भाई साहब। नमस्कार बली, आइए चल बॉलिंग करते हुए शानदार बॉल का प्रदर्शन और मार दिया इन्होंने और ये धीरे धीरे बॉल चार रनों की बाउंड्री लाइन से बाहर। गजब का मौसम, बर्फबारी होती हुई और इसमें शानदार क्रिकेट मैच चलता हुआ, क्रिकेट का जुनून जिसे कहा जा सकता है। ये बाजी करता ढाबा के सामने और ये खेल मैदान ओली माँ यमुना जी के प्रवास स्थल खरसाली कुसुमठ से बर्फबारी का सुंदर नजारा। बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है और अगर यह बर्फबारी पूरी रात ऐसे ही होती रही तो सुबह तक 2 से 2.5 फीट बर्फ हो जाएगी और जितने भी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे थे वो सब बंद हो चुके हैं और काफ़ी बर्फबारी हो रही है। खरसाली खुशीमठ माँ यमुना जी का प्रवास स्थल, साथ में यमुनोत्री धाम में तो इससे भी ज़्यादा बर्फबारी हो रही होगी। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से भी यह दिसंबर के माह की पहली बर्फबारी है और अब तो जो बर्फबारी हो रही है वह अगर जम जाए तो पूरे 2 महीने तक रहेगी। काफ़ी बर्फबारी हो रही है, मैं आप सभी को यहाँ से यमुनोत्री धाम तक के पहाड़ का नज़ारा दिखाता हूँ। जो भी दिखेगा तो नहीं पर सामने दिख रहा है जानकी चट्टी, नारायणपुरी बीफ गांव एवं माँ यमुना जी की धारा। बर्फबारी का सुंदर नज़ारा तो है, यह सब देखने में अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पर जीवन यापन करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। पानी का जाम होना और अत्यधिक ठंड होना, यह सब परेशानियाँ यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती हैं इस बर्फबारी में। और पूरे 2-3 महीने तक शीतकाल का दौर है अब, जो हर महीने बर्फबारी देखने को मिलेगी। ये इस सीज़न की पहली बर्फबारी आज हुई है और बहुत सुहाना मौसम हो गया है। ख़ास करके जो यहाँ पर किसान हैं, जो सेब के किसान हैं, जो सेब की खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी एक खुशखबरी है कि हमारी फसल भी अब अच्छी होगी और अब न्यू ईयर आने वाला है तो पर्यटक भी बढ़ेंगे और ये इस क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छी बात है।